नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लेवल से ऊपर, लेवल से हटकर कुछ नया जानने की। ठीक है, लेवल तो आप सभी लोग जानते हो, सभी लोग निकालते हो, लेकिन उसके साथ साथ मेरा अनुभव भी जो है वो आपके साथ जोड़ूंगा और हम जो है वो ये वीडियो में गोल्ड के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा आज काम से बाहर हूँ मैं, तो वो हमारा फेस टू फेस वीडियो तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन लेवल जो है वो वही आपको मिल जाएंगे, तो वो आप जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट वीक के लिए 59,150 से 59,050 का एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन रहेगा, 100 पॉइंट का, 59,050 से 150। अगर हम ये लेवल को नीचे की तरफ काटने में कामयाब हो जाते हैं गोल्ड के अंदर, तो फिर यहाँ से गिरावट थोड़ी सी और बढ़ सकती है और फिर लगभग लगभग हमें 58,700 का जो लेवल है वो देखने को मिल सकता है, 58,700 के आसपास का जो लेवल है वो हमें नीचे की तरफ जो है वो ध्यान में लेना चाहिए अगर नीचे की तरफ रुकते हैं तो। और वो 700 का लेवल जो है वो 700-650 ये लेवल दोस्तों काफ़ी अहम है। वो लेवल अगर नीचे की तरफ काट के डे क्लोजिंग करता है, यहाँ पर जो है वो ध्यान देना है, डे क्लोजिंग कर देता है और नीचे ही रुकने की कोशिश करता है, फिर अगला सपोर्ट आएगा लगभग लगभग 58,350 के आसपास। ठीक है, 700 के नीचे, और 58,350 के नीचे रुकता है तो 57,900-57,300। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके ये 56,500 यहाँ पर भी जा सकता है। तो जो भी दोस्त कल लाइव में मुझे एक सवाल पूछा था, अगर आप लोगों ने लाइव वीडियो जो है वो नहीं ज्वाइन करते हो दोस्तों, मैं स्पेशल टाइम निकालता हूँ, क्योंकि एक बार जो है वो हमने ओपिनियन किया था कि आपको अगर कुछ चेंज लगता है, कोई एडवाइस देनी है तो आप करिए, तो एक दोस्त का मैसेज आया था कि सर आप रोज़ जो है वो थोड़ा सा आधा एक घंटा हमारे लिए निकाल के कुछ लाइव बता दीजिए, कुछ सिखाइए, कुछ समझ में आए तो आपको आइडिया मिलेगा। तो मैं लाइव मार्केट से जो है वो 9:45 AM को आपके साथ जुड़ता हूँ। लाइव मार्केट में कुछ हम चर्चा करते हैं ऐसे डेली बेसिस के ऊपर, और आपके जो सवाल है उसका मेरे अनुभव के हिसाब से जो मुझे समझ आता है चार्ट देखकर वो बताने की कोशिश करता हूँ। तो आप भी जो है वो लाइव जुड़ सकते हैं। तो कल लाइव में एक सवाल आया था कि सर 58,500-600 आए तो क्या गोल्ड में बाय करें? मेरा मानना है अगर ये 58,500-600 आता है तो वहाँ पर बाइंग से दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके नीचे जो है वो गहरी खाई बन सकती है, वहाँ से जो है वो लगभग लगभग 1,000-1,200-1,500-2,000 ऐसे जो है वो गिरावट आ सकती है। तो वहाँ पर जो है वो सभी दोस्त जो है वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, नीचे में जो है वो 57,650-57,600 हमने 15-1 दिन पहले की चर्चा करी थी कि वहाँ पर मुझे नहीं लगता कि ये लेवल काटेगा, और वहाँ से जो है वो सीधा दोस्तों जो है वो लगभग लगभग 2,200-2,300 पॉइंट की तेजी जो है वो हमने वन वे डायरेक्शन में देखी थी। 58,800 के ऊपर पिछले वीक में मिले थे, 850 के ऊपर रुकता है, तो हमने ये भी चर्चा करी थी कि 59,500 और 60,000 ये दो टारगेट जो है वो मुझे लग रहा है, तो 60,000 का लेवल भी आ गया। मतलब मोटा मोटी हमारा जो तेजी का काम है वो यहाँ पर टेम्पररी पूरा हो गया है। अब आगे क्या होगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो लेवल नीचे गिरावट के जो मैंने आपको बता दिए वो आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हो, और आप भी ऐसा लेवल जो है वो सीखना चाहो, समझना चाहो, तो मुझे आपके दोस्तों सिर्फ 30 मिनट चाहिए। आप सिर्फ 30 मिनट के अंदर दुनिया का कोई भी चार्ट जो है वो समझ सकते हो, गोल्ड सिल्वर नहीं, दुनिया का कोई भी चार्ट जो है वो आपको समझ में आ जाएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, माई इंट्राडे ट्रिक एंड सेटअप, हमारी एप्लीकेशन से आप जो है वो सब्सक्राइब करके वहीं पर जो है वो वीडियो के फॉर्म में आप उसको देख सकते हो और सीख सकते हो, समझ सकते हो। और आगे की चर्चा कर लेते हैं दोस्तों, गोल्ड में ऊपर क्या हो सकता है। तो गोल्ड में ऊपर का जो लेवल आता है दोस्तों, अभी क्लोजिंग हुआ है लगभग लगभग 300 के आसपास, तो गोल्ड को ऊपर की तरफ जो है वो 59,400-500 का एक रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, 59,400-500 वो लेवल ऊपर की तरफ काट दे और वहाँ पर रुकने की कोशिश करे 400-500, तो फिर वहाँ से एक तेजी बन सकती है। तो वहाँ पर जो है वो हमें खास ध्यान रखना है, क्योंकि वो लेवल ऊपर की तरफ काटने के बाद जो है वो लगभग लगभग ये 59,800, 60,200, 60,500 और धीरे धीरे करके 61,000 के लेवल भी संभव है। तो जो भी दोस्त ऊपर शॉर्ट करने वाले हैं या कर रहे हैं,
उन लोगों को जो है वो लेवल के ऊपर ध्यान देना चाहिए, 59,450 से 500। और बाइंग में भी मैंने बता दिया कि 59,050 काटे तो 58,700 के आसपास जा सकते हैं, 58,700 काटे तो बाइंग से दूर रहना चाहिए। आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो ये लेवल के हिसाब से जो मैंने बताया है, और आप अपना भी एनालिसिस करें, मैंने जो एनालिसिस किया उसके साथ साथ जो है वो आप अपना एनालिसिस जोड़कर आप जो है वो कुछ अपना डिसीजन लेना चाहो तो ले सकते हो। बाकी स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल करें, कैसे टारगेट निर्धारित करें, कितना टारगेट निर्धारित करें, सब कुछ आपको सिर्फ 30 मिनट में समझ में आ जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वो लिंक ओपन करके आप इसको चीज़ों को समझ सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो है वो दोस्तों खास ध्यान में रखना है, दोस्तों ऊपर का जो लेवल अभी हमने डिस्कशन किया 59,450 से 400 से 500 का लेवल, ठीक है, तो ये यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ। वो लेवल ऊपर की तरफ काटने की कोशिश करें तो वहाँ पर थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, और नीचे में 59,050, तो ये एक दायरा हो सकता है। हो सकता है कि गोल्ड जो है वो यहाँ पर एक आध हफ्ते टाइम पास करें, दो चार दिन जो है वो ऊपर नीचे खेलता रहे, वो अपनी एक अलग कहानी हो सकती है, ठीक है। लाइव जुड़ेंगे मंडे को, उस टाइम पे गोल्ड का भी चर्चा करेंगे, डॉलर टर्म में भी बात करेंगे उसकी, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो जो दोस्तों को जुड़ना हो वहाँ पर 9:45 AM को जुड़ सकते हो, और अगर आपको समय ना हो तो बाद में भी यूट्यूब पर वो वीडियो रहता है, वो जाके आप देख सकते हो और चीज़ों को थोड़ा सा सीखने का समझने का प्रयास कर सकते हो, ठीक है। तो ये वीडियो में दोस्तों यहाँ तक हम रखते हैं, बाकी कुछ आपके प्रश्न होंगे तो मंडे को हम जरूर लेंगे। आज जो है वो खाली वीकली एनालिसिस, वीकली लेवल जो है वो मैंने यहाँ पर आपके सामने रख दी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करते जाए, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप के अंदर जरूर शेयर करते जाए। दोस्तों वीडियो सुनने के लिए हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।